इबादत की थकावटें तो उतर जाती हैं, मगर नामाए अमाल में इसका अजर मौजूद हुआ करता है। इसलिए हमें इस जिस्म को खूब थकाना चाहिए। मोमिन को चाहिए कि नेकी कर कर के थके और थक थक कर नेकी करे। पिछले साल रमजान में आपने जो इबादतें की, आज आपको उसकी तकलीफ और थकावट याद नहीं है, मगर आपके नामा अमाल में उसका अजर मौजूद है। रमजान में तबीयत जब भी सुस्ती की तरफ जाए, इसे कुरान के ये दो लफ्ज याद दिलाओ, अय्याम मादुदात, गिनती के चंद दिन।